Hey guys, I welcome you all to StudyIQ. Recently, Italy का Volcano Mountain Etna erupt हुआ है. ये European Union region का highest volcano mountain है. यहाँ पे eruption हुआ है, तो obvious ही बात है, एक बहुत ही बड़ा geological event है. इसको दुनिया भर में coverage मिल रही है, तो discuss करेंगे Mount Etna कहाँ पर है, कहाँ पर ये erupt हुआ है. It is a very important topic for UPSC Prelims 2020. उसके अलावा जो आने वाले 2019 के mains हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट अ डाउट, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज. बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. नाउ इस टाइप के टॉपिक्स यूपीएससी परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. इसका एग्जाम्पल हमको 2019 के प्रीलिम्स में भी मिला, जहाँ पर उन्होंने ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सी कंट्री की कोस्टल बॉर्डर है विद द फॉलोइंग सी. तो बेसिकली आपको मैच करना है कि क्या अल्बेनिया या फिर क्रोएशिया, ये जो सारी कंट्रीज़ है, ये रिस्पेक्टिव अपनी कोस्ट लाइन शेयर करती है यहाँ पर गिवन सीज के साथ. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो. देखिए, पहली बात तो आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं क्या कजाकिस्तान की एक कोस्टल बॉर्डर है विद द कैस्पियन सी. मैंने दसियों बार मैप प्रैक्टिस जो होती है यूपीएससी मैप प्रैक्टिस सीरीज, उसमें कजाकिस्तान को दिखा रखा था, कैस्पियन सी को मैंने दिखाया है. मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कैस्पियन सी डील क्या है, करीब 200,000 लोगों ने इसको देखा था. इसमें 5 कंट्रीज़ के बीच में जो बंटवारा हुआ है कैस्पियन सी का, उसको मैंने डिस्कस किया था, और वहाँ पर बताया था आपको कि कजाकिस्तान भी इसका पार्ट है. तो ऑब्वियसली कजाकिस्तान का डायरेक्ट एक्सेस है टू द कैस्पियन सी. तो हमारा ये सही हो गया. अगर हमारा 3 सही है, तो मतलब ए तो बिल्कुल सही हो नहीं सकता, उसके अलावा सी भी सही हो नहीं सकता. तो अब आपके पास बच गए 2 ऑप्शन. 25% से घट के आपका सही आंसर करने के चांसेस हो गए 50%. उसके बाद मैंने आपको दसियों बार ये भी बता रखा है कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और क्रोएशिया पर मैंने अलग से कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में वीडियो भी बनाई थी, जिसको करीब 130,000 लोगों ने देखा था. तो यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कि क्रोएशिया का कहीं से भी एक्सेस नहीं है टू द ब्लैक सी. क्रोएशिया का एक्सेस सिर्फ मेडिटेरेनियन सी तक सीमित है. तो हमारा जो ये ऑप्शन 2 है, ये भी गलत हो गया. तो मतलब कि डी भी गलत है, और डिडक्टिव मेथड से हम आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर सही आंसर है बी, ओनली 3 and 4 आर करेक्ट. बिल्कुल मोरक्को का एक्सेस है टू द मेडिटेरेनियन सी, और कजाकिस्तान का एक्सेस है कैस्पियन सी में, बाकी सब गलत हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको रेडी रहना चाहिए. और अब बात करते हैं माउंट एतना की. नाउ माउंट एतना है कहाँ पर, एक बार मैप पर देख लेते हैं. एज यू कैन सी, ये एशिया है और ये है हमारा प्यारा भारत, और हमको जाना होगा यूरोप में. यूरोप में आप देखोगे ये है इटली, इटली की राजधानी है रोम. रोम के अंदर आपको मिलेगा वैटिकन सिटी, जो कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है. ठीक है, तो इटली सिर्फ यही नहीं है, इटली का एक और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइलैंड भी है, जिसका नाम है सिसिली. ऑलराइट, दिस इज़ द आइलैंड ऑफ सिसिली, और यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट एतना आइलैंड ऑफ सिसिली में. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है माउंट एतना, और आप देखेंगे यहाँ पे स्मोक भी निकल रहा है. रिसेंटली यहाँ पे इरप्शन हुआ है, लावा बहुत ही ऊपर एयर में गया था और आसपास लावा भी गिरा. लोगों को ऑलमोस्ट डर लग गया था कि यहाँ पे जो आसपास एयरपोर्ट्स हैं, जो टाउन्स हैं, वो भी बर्बाद हो जाएंगे. थैंकफुली ऐसा हुआ नहीं. मगर यूरोप का जो सबसे एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एतना, इसने फिर से आसपास डर फैला दिया था. इसकी लोकेशन याद रख लेना, ये यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का मैं कहूँगा हाइएस्ट वॉल्केनो माउंटेन है. देखो, अगर मैं कहता हूँ यूरोप का हाइएस्ट माउंटेन, वो एक्चुअली सही होगा नहीं, क्योंकि यूरोप में काफ़ी जगह जो यहाँ पे रशिया का सदर्न पार्ट है, जिसको हम कॉकेकस रीजन कहते हैं, उसको भी वहाँ पे काउंट किया जाता है. तो अगर हम इस रीजन को एक्सक्लूड कर दें, इसको ना गिने, तो हम कह सकते हैं कि माउंट एतना यूरोप का हाइएस्ट वॉल्केनो माउंटेन है. वैसे आप अगर बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट होना चाहते हैं, तो ये कह दीजिए कि यूरोपियन यूनियन रीजन का हाइएस्ट वॉल्केनो माउंटेन है माउंट एतना. सो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से प्लीज़ याद रख लेना कि इटली का वॉल्केनो माउंटेन माउंट एतना आपको मिलेगा आइलैंड ऑफ सिसिली में. आगे बढ़ते हैं. देखिए, माउंट एतना एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है. ठीक है, स्ट्रैटो वॉल्केनो एक टाइप होता है वॉल्केनो का. वॉल्केनो प्राइमरली आपको 4 टाइप के मिलेंगे. एक होता है फिजर वेंट वॉल्केनो, फिर होता है शील्ड वॉल्केनो, एक लावा डोम वॉल्केनो भी होता है, फिर होता है स्ट्रैटो वॉल्केनो. स्ट्रैटो वॉल्केनो में खास बात यह होती है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, लावा की, टेफ्रा की, प्यूमाइस की, ऐश की, एक के बाद एक बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर स्ट्रैटो वॉल्केनो काफ़ी ऊंचे भी मिलेंगे.
उसके अलावा स्ट्रैटो वॉल्केनो को कॉनिकल वॉल्केनो भी कहते हैं, ये चीज़ आप याद रख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग माउंट एतना। पहली बात तो ये है कि इटली में 3 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उसमें से सबसे एक्टिव है माउंट एतना। एक्चुअली यूरोप का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एतना। इटली के जो बाकी दो वॉल्केनोज हैं जो काफ़ी फेमस है, उनमें से एक है माउंट वेसुवियस और दूसरा है माउंट स्ट्रोम्बोली। इसके अलावा देखिए, यूएन ने डिक्लेयर कर रखा है माउंट एतना को एक डेकेड वॉल्केनो। सिंस इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी खास है तो इसलिए इसको डेकेड वॉल्केनो का भी दर्जा मिल चुका है। उसके अलावा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2013 में यूनेस्को ने द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने माउंट एतना को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस दे रखा है। सो ये था एनालिसिस इस टॉपिक का, इटली का वॉल्केनो माउंट एतना जो आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। इसके इरप्शन से जो रिसेंट इसका इरप्शन हुआ है 2019 में, किसी की मौत नहीं हुई ना कोई इंजर्ड हुआ है, मगर जो यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उनके लिए डेंजर बढ़ गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।